खबर जयपुर के रेल नगरी फुलेरा से है, जहां आरपीएफ महानिदेशक ज्योति कुमार सतीजा की अध्यक्षता में आरपीएफ कर्मचारियों की सुरक्षा सम्मेलन आयोजित किया गया। रेलवे आरपीएफ कर्मचारियों के सुरक्षा सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए ज्योति कुमार सतीजा ने पत्रकारों के प्रेस वार्ता में बताया कि आधुनिक तकनीक के अधिक और कुशल उपयोग से न केवल जनशक्ति की कमी को दूर करने में मदद मिलेगी बल्कि बेहतर परिणाम भी मिलेंगे। उन्होंने आरपीएफ कर्मियों के लिए स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखने की आवश्यकता पर भी जोर दिया ताकि उन्हें तनाव को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने में मदद मिल सके। उन्होंने उनसे यात्रा करने वाले यात्रियों की सुरक्षा और भलाई, छोटी मोटी खुशी सुनिश्चित करने के लिए हर कदम उठाने को कहा। सम्मेलन के बाद आईजी ने अधिकारियों के साथ रेलवे सुरक्षा बल व बैरिक का निरीक्षण किया। सुरक्षा सम्मेलन के दौरान रेलवे जयपुर जोन के प्रमुख अधिकारियों के साथ यात्री सुरक्षा से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। सम्मेलन में एसपी ज्योति मणि, आईपीएफ राजेश सिंह के साथ लगभग सभी अधिकारियों और आरपीएफ कर्मचारियों ने भाग लिया। हाँ जी, आज हमारी ये पहली विजिट है फुलेरा, जो हमारा स्टेशन पे हमारे जवानों से मिलने का, हमारे अधिकारी हैं जितने भी आरपीएफ के, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं चाहूँगा कि चूँकि किसी फोर्स के लिए फिटनेस बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, हेल्थ इश्यूज बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो मैं बहुत सारे इश्यूज पे इनसे डिस्कस करने आया हूँ। और अभी बात चल रही थी कि हेल्थ बहुत, मतलब किसी भी, खासकर नागरिक हो चाहे हमारे जवान हो, ये बहुत ही उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। उनकी हेल्थ, अच्छे हेल्थ होगी तो वो ड्यूटी भी अच्छी करेंगे, और ड्यूटी अच्छी करेंगे तो हम पैसेंजर्स को भी, अपने जितने यात्री हैं उनको अच्छी हम सुविधा दे सकेंगे। और सर, इसके अलावा यहाँ पे आने का मुख्य उद्देश्य? जी, हमारा ये मुख्य उद्देश्य है कि हम एक जो हमारी विस्तृत निरीक्षण हम लोग करते हैं उसके तहत यहाँ के सिस्टम को और हम कैसे इम्प्रूव कर सके, अपने जवानों से उनकी समस्याएं कितनी जितनी हम सुन सकें और उनकी समस्याओं को दूर करने, और ख़ासकर हम अभी बातें कर रहे थे कि इनको खुश कैसे कर सकें हमारे जवानों अधिकारियों को, ताकि ये खुशी खुशी अपनी जिम्मेदारियां भी निभा सकें। कभी कभार जवानों ने इतनी बढ़िया काम करते हैं जी गाड़ी के ऊपर, जी जी, जो ऐतिहासिक चीज होते हैं, जी जी, उसके लिए जवानों के मतलब क्या आप लोग मतलब संवाददाता देते हैं? जी हाँ, जवानों के लिए हमारे यहाँ बहुत सारे हैं कि जैसे अच्छा कार्य करते हैं तो उनको मोटिवेशन देते हैं, मोटिवेट करते हैं, ताकि मोटिवेशन में उनको हम कैश अवार्ड भी देते हैं और बहुत सारे पारितोषिक भी देते हैं, ताकि उनका मनोबल और भी और आगे हाई रहे और अच्छा काम करें। और ख़ासकर उनको हम मोटिवेशन के बहुत सारे तरीके जो आरपीएफ में होते हैं हायर लेवल में, जैसे कुछ लोग हमारी जैसे ज़िंदगी बचाते हैं, तो ज़िंदगी बचाने में जीवन रक्षा पदक भी होता है, उसके लिए भी हम इनको फॉरवर्ड करते हैं। कई बार सर मैंने देखा आपके रेलवे में ऐसे जवान को मैंने देखा, मेरे पास दो फोटो भी, एक एजेड आदमी भी चल नहीं सकता है, गाड़ी पकड़ नहीं सकता है, तो उनको गोद में उठा के गाड़ी में बैठाया, ये बहुत बड़ी चीज़ है। यस, एक जवान के ऊपर, जी जी, तो ये फुलेरा में मेरे को देखने को मिला। जी जी, ये बेसिकली जब हमारी जो लीडरशिप होती है हर लेवल की, चाहे हमारे इंस्पेक्टर हो, चाहे हमारे एसी या डीएससी साहब भी है, जैसे हर स्टाफ को हम लोग मोटिवेट करते हैं कि पैसेंजर्स के लिए, देखिए जब कहते हैं ना कि छोटी छोटी अगर खुशियां आप बांट रहे हैं तो इसका इम्पैक्ट, जो इसका जो प्रभाव होता है बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। तो ये चीज़ें हम अपने स्टाफ अधिकारियों में इनवाइट करना है, उसके अंदर उनमें कूट कूट के भरने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उनको लगे कि ये जो पैसेंजर है ये एक परिवार की तरह है। अगर आपकी परिवार का के व्यक्ति में अगर कुछ हो जाता है, बूढ़े भी हो, अगर वो चल नहीं पा रहे हैं, तो आप क्या करते हो, उनको हेल्प करते हो। ये जो हेल्प करने की भावना हम इनमें भरते हैं, ताकि ये एक पैसेंजर जो हमारी, जो एक तरह से पैसेंजर को हम लोग भगवान की तरह ट्रीट करते हैं, और उसी भगवान की तरह होगा तो आप जैसे भगवान की पूजा करते हैं।